4 किलो गोश्त का हम कोरमा बनाने जा रहे हैं। ये मैंने गोश्त को वॉश करके रख लिया है। यह आधा किलो प्याज है, मैंने इसको फ्राई करने के लिए रख लिया है। 3 चम्मच हल्दी है, ये 7 चम्मच मिर्ची है, ये 3 बड़े चम्मच धनिया लेंगे। इन सबको हम पेस्ट बना लेंगे। ये 4 बड़ी प्याजें ले ली, इनको काट लिया और अब इनका पेस्ट बना लेंगे। ये 1.5 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा है, इसमें डाल लेंगे। 1 बड़े चम्मच बीज है ये। अब हम इन सबका पेस्ट बना लेंगे। ये 5 बड़े चम्मच मैंने तेल को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे, तो फ्राई करेंगे और हमारा कुकर 12 लीटर का है ये, जिसमें हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं। प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है। ये गरम मसाला है, तेजपात के पत्ते ले लिए, लौंग ले लिए, श्या मिर्च है, 1 बड़ी इलायची है, सफ़ेद इलायची है, दालचीनी, जावित्री और ज़ीरा। अब हम इसको सब इसमें डाल देंगे। 4 बड़े टमाटर काट लिए हैं बारीक बारीक, अब हम इसको डाल देंगे। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। टमाटर फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसमें ये मसालों का पेस्ट बनाया था ये डाल देंगे। अब हम इसमें गोश्त को डाल देंगे। अब हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। 3 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अच्छे से हम इसको मिला देंगे। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 3 सीटियां लगाएंगे कुकर की। 3 सीटियां आने के बाद हम कुकर का ढक्कन खोलकर देखेंगे। ये हम कुकर को खोलकर देखते हैं। गैस जलाकर हम इसको भूनेंगे। ये बीज का और नारियल बुरादे का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। इसे इसको अच्छे से चलाएंगे और अभी और भूनेंगे इसे। ये 250 ग्राम दही है, अब हम इसमें डाल देंगे। मैंने चम्मच से इसे फेंट लिया है। इसको अच्छे से मिला देंगे और इसको चलाते रहेंगे। अब प्याज क्रश की हुई हम इसमें डाल देंगे और भूनेंगे डालकर। ये देखो अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच भरकर गरम मसाला डालेंगे। कोरमा बनकर हमारा तैयार है, देखो दानेदार कोरमा बनकर तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। टेक केयर, बाय बाय।